जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। तो डियर, हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस कि ईश्वर ईश्वर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक ही हैं। कहते हैं ना, रूप एक नाम अनेक। तो वो है तो एक ही, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो आपको इन नामों में नहीं उलझना है। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि आपके स्पिरिट गाइडर ने, आपके इष्ट देव ने आपके लिए संदेश भेजा है, ठीक है? और वीडियो पूरा देखना है। तो इसमें दो पायल हैं, एक पायल में है गणेश जी और एक पायल में है लक्ष्मी जी। आज बुधवार है और ये दिन इन्हीं दोनों लोगों का है। तो आज के दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस ले लीजिए। जो पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, उस पायल को चूज़ कर लीजिए, ठीक है? उसी पायल को चूज़ करिए जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर किसी वजह से उसमें बताई गई कंडीशन आपसे मैच नहीं होती हैं, तो आप दूसरा भी सुन लीजिए, क्योंकि डियर, ये गॉड गाइडेंस है। अगर आप दोनों सुन लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, अच्छा ही होगा आपके लिए। और एक बात, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप अपनी इस बिजी लाइफ में डेली 10 मिनट का मेडिटेशन शामिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप उसे ज्वाइन करिए और हमारे परिवार का प्यारा सा हिस्सा बन जाइए। उस परिवार में आपके जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में मेडिटेशन करते हैं, और वो अपनी लाइफ में काफ़ी मिरेकल, काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस भी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके जीवन में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, कितना बदलाव आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। पहले वो कैसे होते थे, आज वो कैसे हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। डियर, आपने चूज़ किया है गणेश जी को। आप जानना चाहते हैं कि गणेश जी, गणपति बप्पा, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी कंडीशन की बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि गॉड गाइडेंस क्या है, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव आपको क्या बताना चाहते हैं। अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है डियर पाइल नंबर 1, रिश्तों में काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं, रिश्तों में धोखा खाया है आपने, विश्वास टूटा है आपका, विश्वासघात हुआ है आपके साथ। ये रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हम बात रिश्तों की कर रहे हैं, आप अपने आप समझ लीजिए। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहा है आपके रिश्तों में। हमें ऐसा लगता है कि किसी पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा, और उसने आज आपके विश्वास को तोड़ दिया है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है। कभी कभी ना, हमारी खुशियां दूसरों पर इस कदर निर्भर हो जाती हैं कि वो कितनी भी गलतियां करें, लेकिन हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। इसलिए क्योंकि हम उनके बिना जी नहीं सकते, हम उनके बिना रह नहीं सकते, कैसा भी रिश्ता हो। हम उन्हें बार बार सिर्फ इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना रह नहीं पाते, और इस बात का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ। आपको आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिल रही हैं, धोखे मिल रहे हैं। आप इस वक्त बहुत गहरी पीड़ा से गुज़र रहे हैं, जैसे कि खो दिया है किसी को आपने,
मतलब कि खुद ही लोग गलती कर रहे हैं और खुद ही आपके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। जस्ट दूसरी कंडीशन इधर ये है कि आपको अपने रिश्तों में विश्वास नहीं है, आप जिनसे प्रेम करते हैं आपको उन पर विश्वास नहीं है। बहुत समय से आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू चल रहा था, बहुत समय से, और इस ट्रस्ट इशू को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, तो अब आप लोगों के दरमियान काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं और आपको ये फील हो रहा है कि आपने खो दिया है उन्हें हमेशा के लिए। आपको गिल्ट भी हो रहा है, आपको नींद भी नहीं आ रही है। ये दोनों कंडीशन हैं सेम, लेकिन बस इसमें में आप गलत हैं और एक में सामने वाला पर्सन गलत है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई किसी का नहीं होता, किसी के लिए कितना भी कर दो वो कभी अपना नहीं होता, और अब सिर्फ आपको ईश्वर याद आ रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपको लगता है कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है आपका, सबने आपका साथ छोड़ दिया, सबने छल किया, धोखा किया। एक बात याद रखना, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, दुनिया आपका साथ छोड़ दे, पर जिसके आप रियल में बच्चे हो ना, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते, और वो है परमात्मा, वो है ईश्वर, वो है एंजल्स, वो है गॉड, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है जैसे कि किसी ने आपको लाकर अंधेरे में छोड़ दिया हो, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, बहुत रो रहे हैं आप, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बस यही लगता है कि हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कि न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ऐसी सिचुएशन है आपकी। अब देखिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, गणपति बप्पा आपको क्या समझाना चाहते हैं। गणपति बप्पा आपसे कहना चाहते हैं, जिन लोगों का विश्वास तोड़ा है किसी और ने, ठीक है, ट्रस्ट इशू को लेकर झगड़े हो रहे हैं, चाहे आपकी तरफ से हो या फिर उनकी तरफ से हो, आप अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आपकी आत्मा किसी बात को स्वीकार नहीं करती है, तब तक आपको किसी और की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जिनसे झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि वो आपको बहुत कुछ सुनाकर चले गए हों और अब आपको गिल्ट हो रहा हो कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं। आप गलत नहीं हैं, जो प्रेम करता है ना हमेशा वही झुकता है, आप बार बार झुकते हैं। कहते हैं ना कि रिश्तों में झुकना अच्छी बात है, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। तो आप बार बार झुकते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप नहीं रह सकते इनके बिना, और आज गलती इनकी ही है, लेकिन फिर भी ये आपको भला बुरा कहकर चले गए हैं, और अब आपको नींद नहीं आ रही, आपको लगता है कि आपने खो दिया है, आपको लगता है कि कहीं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, कहीं आपकी गलती तो नहीं है। तो यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे कि उस हर बात का
विश्वास मत करिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। जो बात आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जिसको सुनकर आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है ये, उसे बिल्कुल भी मत मानिए। समझ रहे हैं? उसे बिल्कुल भी मत मानिए। और ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। समझ रहे हैं? और अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करिए। जो चला गया है वो जल्दी लौट कर आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। बस इमेच्योरिटी की वजह से सब कुछ हो जाता है। आप बहुत समझदार हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए भी आपको लगता है कि आपने खो दिया है, आपने खोया नहीं है, वो जल्दी लौट कर आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। आपके जो कनेक्शंस हैं ना, जिनसे भी आपके रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत सारे होते हैं, उन सभी रिश्तों में आपको मैच्योरिटी कायम करनी पड़ेगी, समझदारी लानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उन मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। आपकी जो भी कंडीशन है, अब अगर ये ट्रस्ट इशू आपको है, आपको ट्रस्ट इशू है किसी बात को लेकर, तो भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर, समझदारी लाइए अपने अंदर। हमारे बहुत मजबूत रिश्ते, बहुत अच्छे रिश्ते एक शक रूपी जहर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अपने रिश्तों में विश्वास करना सीखिए। सब लोगों के लिए नहीं है, 50% लोगों के लिए है कि किसी भी बात पर विश्वास मत करिए जिस बात पर आपकी आत्मा नहीं मानती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ओवर थिंकिंग वाले हैं, जो बिना बात के ओवर रिएक्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में बंधन बनाना चाहते हैं, बांध कर रखना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं। प्रेम में हुकूमत नहीं चलती है। समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको उस पर हुकूमत नहीं करनी है, उसे स्वतंत्रता देनी है। आपने उसे खरीद नहीं लिया है, मालकियत नहीं करता है प्रेम, समर्पण करता है प्रेम। समर्पित हो जाइए, तभी आप प्रेम का सही मतलब समझ पाएंगे। तो ईश्वर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप अपने रिश्तों में समर्पण करना सीखेंगे, अपने रिश्तों को स्वतंत्रता देना सीखेंगे, कैसे भी रिश्ते हों, तब देखना उन रिश्तों से आपको भी भरपूर प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर आप हुकूमत करेंगे, आप कहेंगे मेरी मर्जी से चलो, जो मैं कहूँ वो करो, तो अगर आप बांध कर रखने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट इशू दिखाएंगे, तो जो नहीं भी होना होगा वो भी हो जाएगा। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये दर्द आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये आपकी सज़ा है, ये दर्द आपको एक लेसन देने के लिए मिला है, ताकि आप इस दर्द से कुछ सीख ले सकें, ठीक है? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होना है, जो हमने बोला है उसे गलत तरीके से नहीं लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, पॉजिटिव तरीके से लेना है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत समय तक नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपको एक लेसन देने के लिए किया गया है। अगर आपको समझ में आ गया हो और आप ईश्वर से बोलते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप बैलेंस कर लेते हैं खुद को, अपने रिश्तों में बैलेंस लेकर आ जाते हैं, तो आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये है आपके लिए गणपति बप्पा का संदेश, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचते हैं आप, मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको सिर्फ अपने खुशियों की परवाह करनी है, सेल्फ लव करना है, ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपने चूज़ किया है महालक्ष्मी को। आप जानना चाहते हैं कि माँ आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, महालक्ष्मी आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सा संदेश देना चाहती हैं। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेल्फ लव करना सीख गए हैं,
आप चीज़ों को स्वीकार करना सीख गए हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख गए हैं। यूँ समझ लीजिए पाइल नंबर 2 बहुत समय से बोल रहे हैं और आज फिर इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। हम आपको कार्ड्स बताते हैं, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स। समझ रहे हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं, हम बता नहीं सकते आपको। बाकी ओरेकल कार्ड्स में से भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। तो डियर, हम आपको क्या बोलें, अभी हम स्पीचलेस हैं, हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। बस इतना समझिए कि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, रिश्तों को लेकर हो, करियर को लेकर हो। अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सब में बदलाव होने वाला है और बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाली है। महालक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपने जैसा सोचा नहीं था ना, वैसा होने वाला है। कुछ समय पहले आपने उम्मीदें खो दी थी, कुछ समय पहले आपको लगता था कि कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इतना कुछ कर रहे हैं आप, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो परिवर्तन समय के साथ होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सर्दी के मौसम में सडनली गर्मी होने लगेगी, नहीं होता ना ऐसा। हर चीज़ समय के साथ होती है और यहाँ पर आपकी जीवन में बदलाव भी समय के साथ ही होना था। आपने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है, परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया है, आप सेल्फ लव करना सीख गए हैं। आप समझ चुके हैं कि ज़िंदगी क्या है, आप बहुत गहराई से हर चीज़ को समझ रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपको पता है वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप जो भी पाना चाहेंगे वो आपसे इस तरह अट्रैक्ट होगी, वो खींची हुई चली आएगी आपके पास। दिन पे दिन आप मैग्नेट बनते जा रहे हैं, आप चुंबक बनते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? पूरी कॉस्मिक एनर्जी, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ये समझ लीजिए। अभी आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने मैग्नेटिक हैं कि आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में एक मिरेकल देखेंगे, एक चेंज देखेंगे जो आपकी सोच से परे है, ये समझ लीजिए। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको, जैसे कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इसे बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आजकल पाइल नंबर 2 के लिए, जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ कर रहे हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझकर देख कर काट सकते हैं कि भाई पाइल नंबर 1 के लिए ये होगा, पाइल नंबर 2 के लिए ये होगा। हम तो कार्ड शफल करते हैं और अपने आप निकलते जाते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि क्या है आप बार बार लव रीडिंग, हर एक रीडिंग में आप रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, करियर के बारे में बताया करिए। हम जब करियर की रीडिंग करते हैं तो बहुत कम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं। पर बात यह है कि जब हम रीडिंग करते हैं, हम करियर की रीडिंग भी करें ना, तो यहाँ पर एनर्जी रिलेशनशिप वाली होती है। ये पूरी रीडिंग एनर्जी के बेस पर होती है। एनर्जी कैसी आई हुई है, हम कोई दंत कथा तो सुना नहीं रहे आपको, मनगढ़ंत कहानी तो सुना नहीं रहे आपको। हमें जो सामने दिख रहा है, जैसी फीलिंग आ रही है, जैसी वाइब आ रही है, जैसी एनर्जी को महसूस करते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। हमने कई बार आपको बताया कि हम रीडिंग कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी किसी और चीज़ की होती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ऐसी ही है। यहाँ पर सारे लोग करियर वाले नहीं हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं, तो उसी हिसाब से एनर्जी निकलती है और उसी हिसाब से हमें रीडिंग करनी पड़ती है। हम अपने मन से बातें नहीं बना सकते, जो आया है वही बताना पड़ता है। और फिर अगर जो आया है वो नहीं बताएंगे तो हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और डियर पाइल नंबर 2, आपको तो इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही हैं एंजल्स की, हम बता नहीं सकते। आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से बदलने वाली है, जैसी आपने सोची नहीं थी। चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम आपको आपका सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आप समझ चुके हैं कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बस आपको ईश्वर का संदेश ये है, ईश्वर कहना चाहते हैं आपसे, माँ भगवती महालक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए और उन्हें अन्न और जल दीजिए। उनके प्रति प्रेम रखना है, दया भाव रखना है, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है, क्योंकि पशु पक्षियों में भी परमात्मा होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप इतना करिए। और आपसे महालक्ष्मी कहना चाहती हैं कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, ज़्यादा लंबी चौड़ी फ्यूचर प्लानिंग मत करो और पास्ट के बारे में सोचकर परेशान मत हो कि पास्ट में क्या हुआ। पास्ट गुजर चुका है, जो बीत गई वो बात गई। बीती हुई बातों को लेकर अपना आज खराब नहीं करना है, आज खराब हो गया तो कल अपने आप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जीना सीखो। ठीक है, और देखिए आपके कोई पूर्वज हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल अगर आपने किसी को खोया हो तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। महालक्ष्मी बता रही हैं हमें कि वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके फैमिली के ही कोई मेंबर हैं ये, जिनसे हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा हो, लगाव रहा हो, वो किसी न किसी के रूप में आपको कुछ समझाना चाहते हैं। आप उस बात को समझिए। ठीक है, आपको अपने आप फील हो जाएगा कि जैसे उनकी एनर्जी थी ना, वैसी एनर्जी में कोई ना कोई पर्सन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ समझाएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, तो आप समझ जाना कि ये वही हैं। ठीक है, बस शरीर किसी और का है लेकिन चेतना उनकी ही है, एनर्जी उनकी ही है जो आपको कुछ समझाना चाहती है। हो सकता है कि जो आपके अपने हैं, जिन्हें आपने खोया है, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके आपके सपनों के थ्रू कुछ बताना चाहते हों, तो आप अवेयर रहना अपने सपनों में, बिल्कुल अवेयरनेस रखना अपने ड्रीम्स में, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी जो भी समस्याएं थी, जो भी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं बहुत जल्द समाप्त होंगी। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा, कोई इंटरव्यू दिया है, आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा, आप किसी को पसंद करते हैं, आपने उन्हें प्रपोज़ किया है, उनसे अपने दिल की बात कही है, आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा, आप पॉजिटिव रहिए, उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। स्पेशली जो लोग ये रीडिंग अपने करियर से रिलेटेड देख रहे हैं ना, तो आपके लिए अनंत शुभकामनाएँ, अनंत शुभकामनाएँ। बस आप यूं ही पॉजिटिव रहिए, आपको आपके करियर में 100% सक्सेस मिलेगी, 100%। ठीक है, और अपने अंदर एक बात हमेशा याद रखना कि परमात्मा सब में है, किसी को भी जाने अनजाने कभी भी तकलीफ नहीं देनी है। अगर अनजाने में भी आपके मुख से किसी के लिए कुछ ऐसे वचन निकलते हैं, कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे कोई हर्ट होता है, तो आपको तुरंत सॉरी बोलना है, तुरंत माफ़ी मांगनी है। ठीक है, माफ़ी मांगने से हम नीचे नहीं गिर जाते बल्कि ऊपर ही उठते हैं। ठीक है, लक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि दृढ़ बनिए, समझ रहे हैं, दृढ़ का मतलब ये होता है कि संकल्प करिए कि आप ये काम पूरा करके ही मानेंगे। बीच में छोटी मोटी अड़चने आती हैं तो आप उसमें रुकेंगे नहीं। हमारा केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं होता है, संकल्पवान होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप जो संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, तो आप उसे करे बिना मत रुकिए। जब तक आप उस काम को अंजाम नहीं दे देते, आपको पीछे लौट कर नहीं देखना है, आपको कहीं पर भी नहीं रुकना है। ठीक है, तो यह है आपके लिए महालक्ष्मी का संदेश। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप सिर्फ वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा
सादर प्रणाम।